नमस्कार। आज मंगलवार को वैसे तो थर्ड आई का दिन नहीं होता है, लेकिन चूंकि मतलब जो हिंदुस्तान का 2019 का लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल आज था, इसलिए आज ये स्पेशल एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। इस समय 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पे मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना में तेलंगाना टीआरएस केसी राव की टीआरएस पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट बहुमत आया और उसमें कहीं कोई कहने की जरूरत नहीं, वो पहले जैसा था वैसे ही आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहां पे हम लोगों ने एक एपिसोड भी छत्तीसगढ़ पे सबसे पहले किया था और उसके बाद हम लोग बहुत श्योर थे, क्योंकि वो जो वहाँ से जितनी खबरें ग्राउंड से मिली थी, जितने हम लोगों ने अपने स्रोत से जो भी जानकारी इकट्ठी की थी उसके अनुसार बीजेपी के लुटिया छत्तीसगढ़ में डूबने वाली थी। और ये हमने बिल्कुल कंक्लूसिवली अपने पुराने एपिसोड में कहा था और उसमें से हमारे एक दो जो दर्शक हैं उन्होंने कहा भी था कि अब आप तो इतने दावे से कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि अब 11 तारीख को आप क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग बहुत श्योर थे कि बीजेपी पक्का हार रही है। हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान को बहुत रीड नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे क्या स्थिति होगी, और इसीलिए हमने ये दो एपिसोड, क्योंकि जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो लोग ये बिल्कुल स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लोग इसको बहुत रीड नहीं कर पाए थे। और अभी चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे भी क्लियर हो गया है कि ये क्यों हो रहा था। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में जो वोट प्रतिशत है वो करीब करीब 10% का फर्क है, वो 43% करीब वोट मिले हैं कांग्रेस को और 33% वोट करीब मिले हैं बीजेपी को, ये मैं मोटा अंदाज बता रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी में वोट का जो प्रतिशत है, ठीक है कांग्रेस जीत गई है वो अलग बात है, लेकिन जो वोट का जो प्रतिशत में जो अंतर है वो 0.5 से कम है। तो ये बहुत ही नेक टू नेक थी और ये जो भी एग्जिट पोल वाले भाई जो भी मेथड अपनाते हैं, जिस भी ढंग से उन लोग कह रहे थे कि कहीं कांग्रेस की स्वीप हो रही है राजस्थान में, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि ये रीड हम क्यों नहीं कर पाए थे। मैं ये भी बता दूं कि भाई जो बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, हिंदी हार्टलैंड था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनकी वन ऑफ द बेस्ट रूल्ड स्टेट है, मतलब वहाँ पे जो भी उनके हैं कोई नेतृत्व का कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ सरकार चलाने का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है, और वैसे भी मतलब जो एक बाई एंड लार्ज देखा जाए तो वो स्टेट ठीक रूल्ड है। वसुंधरा राजे जी का भी जो दिक्कत थी वो ये थी कि उनकी शायद आम जनता से उनका कट जाना, लेकिन वहाँ पे फिर भी उन्होंने दिखाया है कि वो बेस्ट रूल स्टेट थी। अब जैसा कि होता है मतलब ये बीजेपी ये चुनाव हार गई है, इसको इज्जत के साथ एक्सेप्ट करने के बजाय अब ज़्यादातर लोग वो जो एक पता था कि क्या कहना है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये आई ओपनर है। तो जब फिसलन आप नीचे फिसलना शुरू करते हैं किसी भी फिसलन पट्टी पे तो वो फिर ब्रेक लगता नहीं है, अब वो कितना ब्रेक लगा के कितना वो कर पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को ये झटका लगा है तो उनकी आंख खुल जाएगी और ठीक हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ये जो आपकी टोटल स्ट्रैटेजी थी वो बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि एक मतलब बहुत अच्छा कैंपेन आप कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्यों आप इसको कांग्रेस मुक्त भारत का आपने एक कैंपेन दिया हुआ है। अब एक चीज़ ये उस साइक को समझने की कोशिश करिए, कांग्रेस का मतलब इस देश में बहुत से लोगों के लिए जो आज भी जो सीनियर लोग हैं जो 60-70 के ऊपर आए हैं उनके लिए वो पार्टी से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन है। तो आप कांग्रेस मुक्त क्यों कराना चाह रहे थे ये आप जाने। दूसरा मुझे ये लगा कि मोदी जी की जो एक जो उनका पूरा हमला था वो राहुल गांधी और राहुल गांधी और राहुल गांधी के ऊपर था,
वो भी शायद स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक नहीं है। वो राहुल गांधी को स्पेस अपने आप ही अपना अल्टरनेटिव के तौर पे उनको खड़ा कर दिए। देखिए ये बहुत इन लोग सब लोग प्रबंधन के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं और मार्केटिंग का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है। आपको आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने की दृष्टि से कह दूं कि अगर आप लक्स साबुन लॉन्च कर रहे हैं और आप कहना शुरू करिए कि ये रेक्सोना मत खराब है, रेक्सोना खराब है, रेक्सोना खराब है, तो रेक्सोना की तो अपने आप पब्लिसिटी हो रही है, जो हो सकता है रेक्सोना कोई नहीं खरीद रहा होता उसको भी लगेगा कि जरा देखा तो जाए एक बार कि रेक्सोना क्या है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिकली इट वॉज अ मिस्टेक ऑन दी पार्ट, मतलब मोदी जी और उनकी टीम के ऊपर मिस्टेक थी जितना ये हमला राहुल गांधी पे कर रहे हैं। आज वो इन्होंने उनको अपने खिलाफ खड़ा कर दिया। तो अगर मुझे आज की तारीख में जो एक एक बार बार एक बीजेपी का नैरेटिव था कि भाई अगर आप मोदी को वोट नहीं दें, अच्छा बताइए किसको दें, किसको दें, तो आज वो किसको दें किसको दें छोटे ही रूप में कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है। दूसरा एक जो बहुत अहम बात है जो मेरे हिसाब से देखिए, मोदी जी अमित शाह से इस समय लोग डरते हैं, वो भय है। किसी की हिम्मत है कि मोदी जी या अमित शाह के खिलाफ चूं भी कर दे? आप मीडिया में देख लीजिए, आप आम जनता में देख लीजिए, वो डर और भय है। और मेरे ख्याल में किसी भी नेता का अगर इतना ज्यादा डर और भय, आदर नहीं है, डर और भय है, अगर इतना ज्यादा डर और भय आप कर आप क्रिएट कर देंगे तो आपने डर और भय वहां तक क्रिएट कर दिया कि मुसलमानों में जो बरेलवी और देवबंदियों में जो बेसिकली एक साथ नहीं रहते थे, लखनऊ की मैं बात बता दूं, यहां पे शिया सुन्नी थे, यहां पे शिया इनके लालजी टंडन थे, उनको ट्रेडिशनली वोट देते आए हैं। आज आपने इतना उनको डरा दिया है कि आज वो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये सब एक हो गए हैं। आपने लोगों को इतना डरा दिया है कि कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि मायावती और अखिलेश एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, आज मायावती और अखिलेश आपके खिलाफ महागठबंधन कर दिए हैं। ये आपका डर है, ये आपका विरोध नहीं था। आपने लोगों को इतना इतना भयभीत कर दिया है। तीसरा, आप पॉलिटिक्स, आप जब राज चला रहे हैं, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो गवर्नेंस से ज्यादा आप इवेंट मैनेजर हो गए हैं। ये अच्छा लगे ना लगे, आप एक के बाद एक इवेंट, एक के बाद एक इवेंट, मतलब आदमी सोच ना पाए तब तक दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट, पांचवा, आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी हो गए हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी ये ट्रेंड है, इवेंट के ऊपर इवेंट, इवेंट के ऊपर इवेंट। अरे भाई, इवेंट से निकल के थोड़ा गवर्नेंस में भी ध्यान दीजिए, केवल आंकड़ों से नहीं चलेगा ना। फिर एक जो इन सारी चीजों में जो सबसे अहम है, मैं पहले भी कहा हूं अपने कई शोज में, मैं आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये एमएलसी राज्यसभा, मैं इसको थोड़ा खराब ढंग से कहूंगा, मैं किसी एमएलसी या राज्यसभा के किसी उनके लिए अवमानना नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देश लोकसभा और विधानसभा के डायरेक्ट चुने हुए लोगों से चलना चाहिए, उनको लोगों की नब्ज का ज्यादा पता रहता है। जो ये पीछे के रास्ते से आपके विधान परिषद और राज्यसभा में लोग घुसते हैं, इनको जनता की नब्ज का उतना पता नहीं रहता है। आप अपनी पूरी सरकार जो चला रहे हैं, वहां आपके जो मेजर जो आपके पोर्टफोलियोज हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो कोई हो, मतलब वो जो भी आपके हैं, आपकी जो सबसे स्मृति ईरानी जो आपके सबसे खास मंत्री हैं, ये सारे लोग राज्यसभा से हैं। आप अच्छे खासे उत्तर प्रदेश में ये लोग जन नेता थे, आपने योगी जी तक को एमएलसी बना दिया, आपने केशव मौर्य को, आपके आपके चीफ मिनिस्टर, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सब एमएलसी हैं। एमएलसी बनते ही आदमी का जो विधानसभा का व्यक्ति है उसकी नब्ज ज्यादा है। मेरे हिसाब से आपको फिर से वो बैलेंस आप कहीं खो दिए हैं। एक बात और जो मुझे बार बार आपके यहां खटकती है, आपका मीडिया मैनेजमेंट आपको लगता है कि अव्वल दर्जे का है, क्योंकि आप डर से, पैसे से, डरा के, धमका के कुछ भी कर लेते हो। लेकिन जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों के बीच ये कहा कि भाई मैं आपके बीच बैठ के मुझे तो बहुत आनंद आता है, तो कभी आप मोदी जी से भी कहिए कि उनको भी आनंद आएगा, तो वो आपके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक ऐसा आपके ऊपर हमला था जिसका आपके पास जवाब नहीं है। दूसरा, आपके जो प्रवक्ता हैं
वो हो सकता है, वो हो सकता है कि आपके हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव हो, सर्जिकल स्ट्राइक करने में बहुत अच्छे हो, भाषा में दूसरे को चिढ़ कर देते हो, लेकिन लोगों को वो उनकी भाषा नहीं पसंद है। आप किस स्तर तक आपने अपने प्रवक्ताओं को क्या स्तर बना दिया है? संबित पात्रा जिस तरह की भाषा यूज करते हैं, हाल के दिनों में एक भाई साहब गौरव भाटिया जी हैं, मतलब जनता से कोई मतलब नहीं है, उनके पिताजी एक बड़े वकील थे, अब मैं चूंकि वो अब नहीं रहे उनके बारे में क्या बोलूं, ये उनके लड़के हैं, ये सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन है। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को उस समय पूरी तरह से बचाते थे, उनके मुकदमे लड़ते थे, तो इसलिए उनको एडवोकेट मतलब उनको एक स्थान मिला, अच्छे वकील थे। आपकी क्वालिफिकेशन ये है कि आप उनके लड़के हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। अभी 3-4 दिन पहले वो क्लिप कहीं पे भी है, सब लोगों ने देखी है, आप अपने पुराने जो आप समाजवादी पार्टी में जीवन भर रहे हैं, आपकी पैदाई समाजवादी पार्टी में गौरव भाटिया की हुई, अब आप जब आ गए हैं तो इसको कहते हैं कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो आपने आके क्या किया, वो जो अनुराग भदौरिया सपा के जो प्रवक्ता थे, आप लोग मारपीट मतलब घूसा लात आप लोग करने लगे सेट के ऊपर, और वो जो भी क्लिप देखेगा, आप एग्रेसिव थे, ये गौरव भाटिया जी एग्रेसिव थे, और उसके बाद मतलब तुर्रा ये कि मैं रूलिंग पार्टी का हूं, पुलिस बुला के अनुराग भाटिया को इन्होंने जेल भिजवा दिया। भाई आपको कहीं नहीं लगता है? मैं तो बिल्कुल इस पक्ष का हूं कि मीडिया की तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं तो अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया दोनों को बायकॉट कर देना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। आज वो फिर अपना सूट पहन के बढ़िया सदरी अदरी पहन के अपना फिर वो बैठे हुए हैं। आपको अब चूंकि आपके यहां दिक्कत क्या थी, समाजवादी पार्टी में इसलिए ज्यादा हुए क्योंकि वो अंग्रेजी बोल लेते थे, वहां पे थोड़ा अंग्रेजी बोलने वालों की दिक्कत थी। तो आपने क्या स्तर बना दिया है? तो इस पर भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। और एक चीज और है, क्योंकि भाषा आप ऐसी यूज करने लगे हैं, आपको शायद अंदाज नहीं है, आप उस जब इलेक्शन के फॉर्मेट में आते हैं, जब उस मोड में आते हैं, तो आप क्या भाषा यूज करने लगते हैं, लोग नहीं पसंद करते हैं। आप सोनिया गांधी को विधवा अगर कहते हैं तो लोग नहीं पसंद करेंगे इसको, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने, ठीक है आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक स्तर को तो बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। मैं यहां पे तीन ऐसी खबरें थी जो इतने बड़े इलेक्शन के नीचे वो इतनी दब गई हैं कि उसका कोई नाम लेवा नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन में उसको बोल दूंगा, उर्जित पटेल का इस्तीफा, वो भी भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सुरजीत भल्ला का इस्तीफा भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा का इस्तीफा भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब मेरे हिसाब से इसका प्रिस्क्रिप्शन, मतलब से डॉक्टर सब कह देता है ना, तो फिर अब इसके हिसाब से इसकी दवाई क्या हो सकती है, तो मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये जानते हुए कि इस राय को कोई माने चाहे ना माने, मैं तो अपनी राय दे ही दे रहा हूं। मेरे हिसाब से भाजपा को जो आज 272-273 पे लोकसभा में है, उसको अगर वो कम तो हो रही है, क्योंकि वो एक अलग गणित चल रहा है, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। अगर भाजपा को अपनी कुछ मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना है, तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपने मंत्रियों का मंत्रालय, जब भले ही 6 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, आपको अपना केंद्र में अपने मंत्रियों का तुरंत रिशफल करना है, हालांकि अभी पार्लियामेंट सेशन है, इसके बीच तो नहीं हो पाएगा, वो करना है। आपको उत्तर प्रदेश में तुरंत अपने मंत्रियों का कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो इफेक्टिव बन जाए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने 2014 का आप क्यों भूल रहे हैं, 2014 का इलेक्शन आपने गुजरात मॉडल को सामने रख के विकास के एजेंडे पे जीता था। आपको लोग ये मान रहे थे कि आप हिंदुस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपने पिछले 4-5 इलेक्शन में क्या किया, आपने हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को, उनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना के सबसे ज्यादा सभाएं इनसे करवाई गई। क्यों? क्योंकि आज आप हिंदुत्व पे क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? आपको हिंदुत्व पे इलेक्शन आप लड़ेंगे तो आपकी आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको विकास इन्हीं के एजेंडा पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तीसरा, मेरे हिसाब से आप अपनी सहयोगी पार्टियों को सहेजने का काम भी कुछ करिए। आपने तेलुगु देशम को अपने पास से भगा दिया,
आज चंद्रबाबू नायडू उस ऑपोजिशन महागठबंधन के मुख्य आयोजक हो गए हैं। शिवसेना के साथ आपकी दिक्कत हो रही है, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के को आप नहीं रिटेन कर पाए, रामविलास पासवान को, क्योंकि आप लोग सीट का, अब अमित शाह जाके अगर सिर्फ नीतीश कुमार के साथ बैठ के सीट का कर देंगे और बाहर कहेंगे सब हो गया सब हो गया, इससे नहीं चलेगा। वहां पे रामविलास पासवान की स्टेक्स हैं, वहां पे उपेंद्र कुशवाहा की स्टेक्स हैं, आपको इनको भी कॉन्फिडेंस में लेके तब कोई नीतीश कुमार से बात करनी होगी, क्योंकि आपने पिछला इलेक्शन नीतीश कुमार के विरोध में लड़ा था। आज आपको आपको आप इनके साथ ही नहीं ले पा रहे हैं। आप को मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि AIDMK आपके साथ थी, आज भी आपको उनको साथ रखना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सहयोगी पार्टियों को भी सहेज के रखने की बात है। तीसरी बात, जो चौथी और अंतिम बात बीजेपी के लिए जो मुझे लगता है, मीडिया में आपको अपनी टोटल स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। आपको खुद अपनी, आपने ठीक है 4.5 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आप कहिए कि भाई नहीं की, मैं जो भी आपको एक्सप्लेनेशन, आप साफ साफ कहिए कि नहीं कि मुझे लगा था कि इसकी बने, लेकिन मुझे अब इस इलेक्शन से लगा कि नहीं, मुझे आपके साथ डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, लोग आपसे डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं, आप क्यों मीडिया से छुपते हैं, क्यों मीडिया से भागते हैं, और आप अपना काम ऐसे लोगों के बीच जो इतने आक्रामक हैं, जिनके ऊपर इतना अहंकार है, तो मेरे ख्याल में मीडिया के रेफरेंस में भी आपको थोड़ा कार्य मतलब होमवर्क करना पड़ेगा। अब चूंकि इनको राय दे दी है तो मैं कांग्रेस को भी राय दे दूं। कांग्रेस के लिए तो जो सबसे पहला जो उनका है कि राहुल गांधी जी को अगला अप्रैल मतलब अगले 4-5-6 महीने मुझे लगता है अपने घर पे सोना ही नहीं चाहिए, उनको तो केवल फील्ड में रहना चाहिए, केवल दौरा करें, क्योंकि अगर वो ये सपना देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की 47 सीट हैं लोकसभा में, 46-47, आपके पीछे AIDMK के 37 सीट के साथ, तृणमूल कांग्रेस 34 सीट के साथ है, आप 47 सीट से आज देश के नेतृत्व को देने की कोशिश कर रहे हैं, आप 47 से कहां पहुंच जाएंगे? अगर आपको 47 से लगता है कि आप 272 पहुंच जाएंगे तो ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहते हैं तो आपको देश में घूमना होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये जो अभी 3 इलेक्शन हुए हैं जहां पे 65 लोकसभा की सीटें हैं, उस 65 लोकसभा की सीट में से 62 सीट भाजपा के पास थी, आपको वहां, क्योंकि इस समय आपकी सरकार बन रही है, तो आपको वहां कुछ भी करके अपनी पोजीशन लोकसभा की सीट के लिए अभी से प्लान करके कम से कम 50% से ऊपर तो आपको वहां से सीट लानी ही पड़ेगी। आपको अपना 3 से 30 तक के सफर को आप कैसे पूरा करेंगे ये तो आप ही को देखना है। दूसरा, आप 2 स्टेट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके लिए आने वाला राजनीतिक कैरियर, जीवन जो भी है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही डिसाइड होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीट, बिहार की 40 सीट, 120 सीट। 120 सीट में आज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है। राज बब्बर जी उस 80 सीटों को नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। यहां तो कमान आप जिसको भी अध्यक्ष बनाइए, लेकिन ऐसा लगे कि ये तो राहुल गांधी जी खुद कमान संभाले हुए हैं। आप एक चीज जान लीजिए, गुजरात में, क्योंकि कुछ भी चीजें आपको मोदी जी से सीखनी होगी, मोदी जी गुजरात से उठ के प्राइम मिनिस्टर बने थे और गुजरात को आज भी वो अपना वो मानते हैं कि मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है। तो आपको उत्तर प्रदेश को उस तरह का मतलब उत्तर प्रदेश वाले भी आपकी तरफ देखेंगे, भाई ये हमारे यहां से जा रहे हैं, आप वो अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एक तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पे 120 सीट है, आप जैसे भी टारगेट करें, आप BSP उनके साथ जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको आपके पास 22 सीटें थी उत्तर प्रदेश में 2009 में, तो अगर आप इसकी 25% 120 की 25% सीट का भी टारगेट कर लेते हैं तो 30 सीटें यहां, 30 सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, और 47 सीटें, ये 100-150 का, 125 का आंकड़ा जब तक आप पार नहीं करेंगे, आप लीड किसी भी फ्रंट को लीड नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इसको करें। तीसरा, जो आपके लिए मेरे हिसाब से सबसे अहम, जहां पे डू और डाई है, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं बिल्कुल दावे से आज फिर ये कह रहा हूं कि 2019 में आपका कुछ नहीं होगा। आप याद करिए,
2009 में आप जब जीते थे, 5 साल की मनमोहन सिंह की सरकार चल चुकी थी, आप केवल और केवल नरेगा की वजह से जीते थे, अगर आप याद रखिए। नरेगा मतलब हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के गांव ने आपको जिताया था। आपको ये बड़े आदमियों ने, जिनके पीछे आज संभव पूरा देश चल रहा है, उन लोगों ने नहीं जिताया था आपको, गांव के किसान ने जिताया था। तो आज आपको किसान हित की बात करनी होगी, जो आप कर रहे हैं। आपने वादा किया था, मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सी खबरें आ रही हैं कि किसानों ने अभी अपना धान बेचा नहीं है, रोक के रखा है, क्योंकि आपने कहा है कि हम अपनी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी है, जो शायद 2500 रुपये, वहाँ आप बात कर रहे हैं, या 2200-2300 जो भी कर रहे हैं, जो आपने चुनाव मैनिफेस्टो में कहा है, आप उस पर धान खरीदेंगे। ये आपके लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा है। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का गांव आपको एक बार फिर से उस नेतृत्व को देने में हिचकिचाएगा नहीं। लास्ट में चौथा पॉइंट, क्योंकि 4 प्रिस्क्रिप्शन उनको दिए हैं, तो चौथा आपको भी दे दूं। कांग्रेस की जो सबसे वीक किस समय लिंक है, वो उनका बूथ मैनेजमेंट है। कांग्रेस के सब नेता आराम तलब हैं, बढ़िया से सोते हैं, बढ़िया कार में चलते हैं, बूथ वूथ में कोई जाता नहीं है। तो समय तो बहुत नहीं है, लेकिन जो भी समय है उसको आप, जो भी आपका संगठन है उसको इन 4-5 राज्यों में कम से कम बूथ संगठन को अपना ठीक कर लीजिए। पूरे देश को अभी ठीक करने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, आप दौड़ते रहिए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, जो हिंदी हार्टलैंड है, उसमें आप कम से कम अपने बूथ मैनेजमेंट को ठीक करें। मेरे हिसाब से ये 2019 की अब एक तरह से बिगुल बज चुका है, अब सब लोग दौड़ना शुरू कर दिए हैं, और ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि 2019 का लोकसभा का चुनाव, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अब किसी की, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये आने वाले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।